बहुत मजेदार है भाई, मजा आ गया यहाँ पे। ट्रेनर हमारा चिल्लाता रहा। स्वागत है हमारे व्लॉग में, एक नया दिन और एक नई यात्रा। आज हम लोग जा रहे हैं जेट स्की और पैरा सेलिंग के लिए। हमारी टीम रेडी है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सब सारे बैठ गए हैं, देख लो आप। कुछ देर में हम लोग निकलेंगे जाने के लिए। पांच पांच जन की टीम बना के दो टैक्सी लेंगे हम लोग यहाँ पे। ये देखो अभी भी दो टैक्सी आ रही हमारी। हम लोग जा रहे हैं नीमो वाटर स्पोर्ट्स और जेट्स की दुबई में। यहाँ से लगभग 17-18 मिनट का रास्ता है। टैक्सियों में यहाँ इनोवा ही चलती है, देख लो आप, सारे जगह पे इनोवा ही है। हमारी भी टैक्सी आ गई है। तो आ गए हम यहाँ डेस्टिनेशन पे, नीमो वाटर वर्ल्ड, जहाँ से हमारी जेट्स की और सब कुछ होगा। हिरन और ये लोग आ गए हैं यहाँ पे, पहले से आके बैठे हुए हैं। हमारी टैक्सी पीछे थी तो हम लोग पीछे आए। पब्लिक बैठी यहाँ पे, क्या बोलती पब्लिक? यहाँ पे आप देख सकते हैं जेट्स की लगी हुई है सारी। यहाँ पे हमारे पासपोर्ट देखते हुए भाई साहब, ये भाई साहब अभी हमारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पीछे में। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके बाद जाएंगे सारे। बोट लाइसेंस भी देते हैं यहाँ पे दो दिनों में, सिर्फ 2500 दिरहम देने होंगे इनको। मैं और कृषिव जाने वाले हैं, हम लोग दोनों जन साथ में। यहाँ पे वॉलेट, फोन, वॉचेज ये सारे लॉकर में रख देने हैं। सिर्फ GoPro लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पे। अभी सारी चीजें लॉकर में रख देंगे। क्या इंस्ट्रक्शन समझाया इन्होंने? इंस्ट्रक्शन ये है कि जस्ट कि आप बेसिकली रेंट कर रहे हो, तो जिस तरह से आप कार रेंट करते हो वैसे एक रेंटल है। तो अगर जेट स्की को कुछ होता है ड्यूरिंग योर ट्रिप, सारी जिम्मेदारी चलाने वाले की। इन्होंने पासपोर्ट लिया, नंबर लिखा, सारे इंस्ट्रक्शन लिखे उसमें। पासपोर्ट वो उनके साथ रखेंगे और चेक इन होने के बाद हम जेट स्की में बैठेंगे। आगे एक उनका लीडर होगा जिसको हमको फॉलो करना होगा, और हर जेट स्की के बीच में कुछ एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। आपको स्टंट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी लाइफ को और जेट स्की दोनों को रिस्क है। उनके लिए जेट्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आपकी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और मेंटेन करनी है स्पीड और डिस्टेंस 30 मिनट में से करना है। 30 मिनट का काम है, 30 मिनट में हम लोग जाके वापस आते हैं। GoPro हमारे साथ है, सारे जो व्यूज हैं वो आपको दिखाते हैं, बने रहिए। निकलवा दिया यहाँ पे, कपड़े निकलवा दिए। आदि किसके साथ जा रहा है तू? मैं काकी के साथ। आदि काकी के साथ जा रहा है, मेरे साथ किसु आ रहा है। सिया किसके साथ जा रही है? सिया रवि के साथ। सारे आ गए, लाइफ जैकेट पहन लीजिए, पहन लो सही से। लाइफ जैकेट पहन लिया, यहाँ पे रेडी है अब जाने के लिए अंदर। अभी भी गाइस मैं अकेली जा रही हूँ। पहले कभी आपने चलाया नहीं होता तो 5 मिनट लगती है समझने में सारा मैकेनिज्म इसका, कि किस तरह से आपको इसको हैंडल करना है। जैसे ही आपको सब कुछ समझ में आता है वैसे ही मजा आपका स्टार्ट हो जाता है। किसु, बड़ा मजा, भाभी को देखते पूजा को। दोस्तों इसमें ना तो ब्रेक्स होते हैं ना तो इसमें गियर होता है, इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है स्पीड। स्पीड यानी कि एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर को आप जितना दबाएंगे उतना ही आप हवा से बात करते हुए नजर आएंगे। हाउ इज इट किसु? सारो सर, मुझको इन लोगों की डांट भी पड़ रही थी और मुझसे ये लोग दूर भी भाग रहे थे क्योंकि इनको डर था कि कहीं ये पगलेट आके लड़ा मत दे, क्योंकि सबके मन में ये डर बना था कि सावधानी हटी के दुर्घटना घटी। वैसे सावधानी रखनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ही स्पीड होती है इसकी। बहुत मजेदार है भाई, मजा आ गया यहाँ पे।
लगभग 200 की स्पीड लगा दी होगी हमने। ये देखो रवि बाबू को, पूजा ये भी उड़न परी बनी हुई थी। अन्ना काकी और आदि, जबरदस्त भाई एक्सपीरियंस था। ये देखो कहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बहुत ही मजेदार। और ये भाई साहब हमारा फोटो खींचेंगे अभी, मैं और किशु। किशु मजा आएगी? यस। ये देखो हार्ट बना रही यहाँ पे। यहाँ जेट स्की में एक बात ये है कि आपको ये फाइबर की बॉडी होती है तो एक दूसरे के नजदीक नहीं ले जाना है दूसरी जेट स्की के नजदीक, क्योंकि ये फाइबर की बॉडी जो है वो टकरा के टूट सकती है। इसलिए हम लोग जो है वो दूर ही खड़े थे, दूर ही एक दूसरे से दूर है कि ये टकराए नहीं, नहीं तो अभी पैसे भरने पड़ जाएंगे। इसमें भी डर लग रहा था हम लोगों को, पानी से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें भी, मजा आ रहा है। ये सब हवा हवाई बने हुए हैं, जोरदार यहाँ पे उड़ा रहे हैं सारे, और बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है, पहले कभी किया नहीं था हम लोगों ने। चश्मे पे देखो ये खारा पानी उड़ा हुआ है, पूरा खारा पानी, मुँह पे भी आता है तो खारा लग रहा है यहाँ पे। आपका जो लीडर होता है वो समुंदर के बीच में जेट स्की पे आपके फोटो और वीडियो बना देता है। दोस्तों ये जो दुबई का समुंदर है वो दूसरी जगह के मुकाबले बहुत शांत है, इसलिए यहाँ पे इसको जेट स्की को उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही बढ़िया है, हवा नहीं चल रही है जिसके कारण से पानी में थोड़ा सा भी करंट नहीं है। जब लास्ट के 5 या 10 मिनट बचे थे तब मैंने किशु से बोला कि चल अब फुल थ्रोटल में जाते हैं, जितना दबा सकते हैं लीवर को उतना दबाएंगे और देखते हैं कि फास्टेस्ट कितना जा सकते हैं। आप ये जो देख रहे हो ये फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है मैंने, ये एक्चुअल स्पीड है इसकी। इतने फास्ट जा रहे थे हम लोग, लास्ट में मेरे आँखों में से पानी निकलने लगा, तब मैंने रोका इसको और घुमा के हम लोग इसको वापस ले गए हमारे बेस पे। और स्पेशल थैंक्स टू किशु जिसकी वजह से ये क्लिप बन सकी, क्योंकि हम लोग जब 70 माइल की स्पीड से इसको चला रहे थे जेट स्की को, तो किशु ने गोप्रो को फर्मली होल्ड करके रखा हुआ था, गोप्रो उसके हाथों में था, उसने एक हाथ से मुझे पकड़ा हुआ था और एक हाथ से गोप्रो को पकड़ा हुआ था। तो ये जो क्लिप बनी है 70 माइल की स्पीड से जो हम लोग चला रहे हैं जेट स्की को, इसमें किशु का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ये फिल्म करने में। तो भैया लाइफ में हम लोगों ने आज तक इतनी ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं की थी, ये ट्रिप हमारा जो है वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ से ही भरा हुआ था। पहले हम लोगों ने स्काई डाइव किया और अभी ये जो जेट स्की की, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। इतनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम लोगों ने एक साथ कभी नहीं की है, ये पहली बार कर रहे हैं। और दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ आप एक जगह पे कर सकते हैं, दूसरी जगह क्या होता है कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ एक जगह नहीं होती है। और लास्ट में तो भैया हम 30 मार खान बन गए थे जेट स्की के सारे, हम सारे जो है उसको इतना अच्छा ग्रिप आ गया था सिर्फ 30 मिनट में। 30 मिनट हम लोगों ने चलाया जेट स्की को और इतना अच्छा आ गया था हम लोगों को ग्रिप कि मन कर रहा था अभी और इसको 1-1.5 घंटे चलाते रहे।
हम तो आ गए वापस, अभी ये लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जेट्स की अद्भुत अद्भुत, बहुत मजा आया, जोरदार। और मुझे नहीं, सबको, पूजा को, रवि को, टिमसी को, अन्ना को, सबको मजा आया जेट स्की में फुल स्पीड में। पहले डर रहे थे हम लोग थोड़ा सा, पानी से, ऊंचाई से, इन सारी चीज़ों से हर किसी को डर लगता है, मुझे नहीं लगभग आदमियों को लगता होगा, तो थोड़ा डर रहे थे हम लोग शुरू में। लेकिन एक बार जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसके बाद जब मज़ा आने लगा, फिर तो पूरा एकदम फुल थ्रॉटल में हम लोगों ने दबा दिया था लीवर को, जाने ही दिया पानी के अंदर। ट्रेनर हमारा चिल्लाता रहा।